दोस्तों, कैसे हैं? सोचता हूँ आज अच्छा खासा कमाई हो चुका होगा ऑलरेडी। आज वीकली एक्सपायरी था तो जो तो हुआ हुआ। देखिए, मैंने जो कल आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस में करके वीडियो सेंड किया था, अगर आप उसको देख चुके होंगे, सारे लेवल्स पूरी तरफ से फॉलो किया। तो ये तो आज का मार्केट था, कल क्या होगा थोड़ा हम लोग अभी स्टडी करते हैं। अभी देखिए 4:19 हो चुका है 25 फरवरी, तो हम लोग कोशिश करते हैं कल क्या होगा और देखते होंगे कल क्या कैसे मार्केट जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा मार्च या फरवरी का मैंने खोला था, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मार्च का क्योंकि आज तो एक्सपायरी था, आज मंथली एक्सपायरी भी था, आज फरवरी 25 था, तो हमको देखना होगा अभी मार्च का एक्सपायरी का। यस, डेफिनेटली वी हैव टू सी मार्च एक्सपायरी। तो मार्च एक्सपायरी को मैं लोड कर लेता हूँ, रुकने दीजिए। ऑलरेडी मैं मार्च एक्सपायरी, क्योंकि आज तो एक्सपायरी हो गया ना, तो इसीलिए हमको मार्च का देखना होगा। ये मेरा 15 मिनट का कैंडल का एनालिसिस है और ये मेरा 5 मिनट का एनालिसिस डाल देता हूँ ये। हाँ ठीक हो गया। देखो दोस्तों, अभी क्या हुआ आज मार्केट में, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी थोड़ा सा आज क्या मार्केट हुआ जो कि फेब्रुअरी फ्यूचर में हम लोग देखेंगे, उसके बाद कल क्या मार्केट होगा हम मार्च एक्सपायरी में देख के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते पहले हम लोग फेब्रुअरी का जो आज क्या हुआ मार्केट में, क्योंकि सबसे याद रखिए पोस्ट मार्केट हम एनालिसिस करने से पहले आज क्या हुआ उसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा, तभी जाके आपको सक्सेस होगा, अदरवाइज आप क्लैरिटी से आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसमें 15 मिनट का कैंडल लोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा बराबर हो चुका है ऑलरेडी। आज क्या हुआ देखिए मार्केट में, मैं कल क्या बोला था आपको, अगर आपको याद होगा, अगर मेरे वीडियो को पोस्ट मार्केट में जो कोई बंदा ऑलरेडी दिख चुका होगा उसको पूरी तरफ से पता चलता होगा मैंने कल क्या बोला था। मैंने एग्जैक्टली ये बोला था कि अगर मुझे इसके ऊपर मुझे अगर मिल गया तो आराम से मैं बाइंग साइड में जाऊंगा और ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, जो कि मेरे एनालिसिस से मैंने कल पोस्ट मार्केट में दिखा दे बोल दिया था। अगर आप नहीं दिखे तो जाइए, वॉच लिस्ट में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, दिखिए मेरे लेवल वगैरह क्यों इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को बहुत सिंपल से अंडरस्टैंडिंग करता हूँ। क्योंकि मैं दोबारा बोलने के लिए मैं नहीं जाता हूँ, ये चैनल सिर्फ बिगनर लोगों के लिए, मैं जो भी एक्सप्लेन करता हूँ वो बिगनर जैसे सोच के करता हूँ, क्योंकि अगर मेरा चैनल कोई बिगनर देख रहा है आराम से वो समझ पाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये कैंडल आज आपका ओपन हुआ 25 फरवरी, हमारा कंडीशन क्या था, ये रेजिस्टेंस के ऊपर और ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोज दे देगा हम लोग अच्छा खासा बाइंग साइड में चला जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने देख के मेरे प्रीमियम चैनल में मैंने आज एक कॉल ऑप्शन भी दिया था, मैं वीडियो लास्ट में मैं उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। देखिए यहाँ से कितना बड़ा मोमेंट हुआ, देखिए एग्जैक्टली मेरे जो फास्ट टारगेट था उसको टच करके आया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक पुश नहीं कर पाए, यहाँ से गिरा 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 गिरा, ये देखिए फिर दोबारा इसको सपोर्ट ले लिया, इसको बोलते हैं 50 EMA, जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट लिया, लेके फिर दोबारा आए, ये रेजिस्टेंस को टच किया, गिरा 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 गिरा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये सपोर्ट था, सपोर्ट को टूट नहीं पाया, यहाँ से थोड़ा सा गया फिर दो। उसका मतलब आज का मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस के अंदर घुमा मार्केट, ठीक है दोस्तों। इसमें दोनों दो टाइम में आपको एंट्री, राइट टाइम एंट्री लिया था, एक 9:15 कैंडल में जो कि हमारा लेवल था कि इसके ऊपर अगर हम लोग ओपन करें आराम से इतना हमारा टारगेट, और दोबारा ये रेजिस्टेंस के ऊपर इसमें आपको आराम से अच्छा खासा टाइम दिया था एंटर करने, जो बंदा टाइम लेता होगा ये जो एक बजे जो पुट ऑप्शन लेता होगा इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका 5 मिनट, अभी चलो चलते 15 मिनट का कैंडल क्या हुआ। देखिए जो मैंने कल रेजिस्टेंस डाला था इसको देखो, मैंने क्या बोला था, ये हमारा छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया था मैंने, इसके ऊपर आज ये हुआ ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर मेरा आज ओपन हुआ मार्केट, इसके बाद देखिए कहाँ तक मार्केट चला गया, देखिए
कहाँ तक, ये हमारा 9:15 कैंडल, 9:15 ये बस ये बीच में कोई है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ कि कल हो गया था, ओपन हुआ, यहाँ से गया, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला था, ऑलरेडी हिट हो चुका। उसके बाद ये हमारा सेकंड टारगेट था, मैंने बोल दिया था साफ साफ ये कि ये हमारा फाइनल टारगेट होगा, जो कि चांसेस नहीं है। और वहाँ से देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, ये मेरा प्रीवियस डेज का कैंडल बोलता हूँ, ये देखिए ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, इसके इसके नीचे टूट नहीं पाया, मतलब यहाँ से मार्केट वीक हो जाता, इसके ऊपर टूट नहीं पाया और यहाँ से मार्केट गया, ठीक है। थोड़ा सा हम उसको जूम करके दिखते हैं, देखिए क्या मैं आपको एक्सप्लेन, ये देख पर्टिकुलर 9:15 में ये वाला कैंडल आपका ओपन हुआ, बड़ा वाला ओपन हुआ, और ये कैंडल में मेरा क्लोज था। जैसे ही मैं बोलता था कि ये हमारा फास्ट टारगेट रहेगा, आज ही चलिए हमारा फास्ट टारगेट हो चुका है, अगर मेरे चैनल में पोस्ट मार्केट कल जो दिखता होगा उसका लेवल ऑलरेडी पता चलगा। और ये हमारा था रेजिस्टेंस था, मैंने जो बोला था, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, देखिए ये बैंक निफ्टी क्या है ना, पूरा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के और ट्रेंड लाइन के अंडर चलता है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट गिरा 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 यहाँ तक रुक गया, ठीक है। ये हुआ हमारा आज का मार्केट गया। अभी हम लोग जाएंगे मार्च का एक्सपायरी में, क्योंकि कल तो आज तो फेब्रुअरी का लास्ट डेट था ना, तो कल हमको स्टडी करने के लिए मार्च का चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं जो देता हूँ मैं पूरा बिगिनर जैसे सोच के देता हूँ, बिगनर लोग कैसे ट्रेड कर पाएंगे मेरे और कैसे समझ पाएंगे लॉजिक, वो ढूंढ के मैं देता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरा मार्च का लोड हो चुका है, मैं अभी उसमें एक 15 मिनट की कैंडल का डाल देता हूँ और उसमें मैं 5 मिनट का कैंडल डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं, पहले हम लोग 15 मिनट की कैंडल को अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब कल क्या होगा। देखिए देखिए ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा ट्रेंड लाइन में जो कि ड्रॉ किया था, क्या हो रहा है मार्केट को समझे। हॉरिजॉन्टल के ऊपर अभी मार्केट है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से, मतलब देखिए ट्रेंगल को, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। देखिए फिर दोबारा आया, फिर दोबारा यहाँ से आया, फिर दोबारा आया, फिर चलता 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 यहाँ से टच करके आया, मतलब यहाँ से ऊपर नहीं गया, फिर आया, फिर आया, आया आया आया, गिरा गिरा गया, इसको अंदर टच नहीं कर पाया यहाँ से। तो कल क्या होगा, अभी एक हम लोग के हॉरिजॉन्टल जो बड़ा सपोर्ट मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस लाइन, उसको मैं अभी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा लेवल है मेरा, अभी के लिए ये वाला ठीक होगा, ये वाला छोटा सा सपोर्ट हो जाएगा, बट हो जाएगा, ठीक। चलो ठीक है दोस्तों, मैंने अभी डाल दिया जो भी डालना था, क्योंकि कल मार्केट इसी रेंज में आपका घूमना शुरू होगा, ठीक है। अभी कहाँ पर है, अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्या होगा, कंडीशन लॉजिक दोनों को हमको मिलाना होगा। अगर सपोज ढूंढ लीजिए मार्केट यहाँ ऊपर लॉन्च हुआ, ओपन हुआ 34,482, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग साइड में जा सकते, कब तक, यहाँ तक मैक्सिमम। मेरा मतलब है अगर मार्केट 37,400 में ऊपर क्लोज देगा कि मार्केट ओपन होगा कि कोई कैंडल यहाँ से ओपन हो जाए, हम लोग इजीली यहाँ तक मार्केट मूवमेंट देख पाएंगे। बट ये हमारा थर्ड टारगेट होगा, इसी के अंदर कल मार्केट हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट रुकेगा, ठीक है। अभी समझते हैं कल मार्केट क्या हुआ। देखिए मैंने ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया आपके सामने, ठीक है दोस्तों। मुझे जितना फील हो, अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तभी जाके हम लोग बाइंग साइड में जा पाएंगे। फास्ट टारगेट लास्ट है, ये हमारा फाइनल टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से फिर आपका रेजिस्टेंस लेके फिर इतना तक आएगा। अगर फिर दोबारा जैसे कि आज यूजल मार्केट में होता है, मार्केट एक स्लैब के अंदर जाते हैं, जो कि प्रीवियस कैंडल में दिखाता हूँ। देखिए पहले ये वाला सपोर्ट को टच किया, उसके बाद गिरा, फिर इसको टच किया, फिर आया के इसके ऊपर नीचे गया, इसके इसको, मतलब ये कंडीशन, मतलब यहाँ से अगर मार्केट जाएगा ऐसे है कि ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आए के फिर ऐसे जाएगा, मतलब अच्छा खासा हम लोग एक हेड एंड शोल्डर भी दिख पा रहे, ये वाला जो मैं समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से मुझे जितना फील हो रहा है,
यहाँ से मार्केट गिर सकता है, बट हम लोग कंडीशन नंबर वन कंडीशन नंबर टू देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कल के लिए हमारा लेवल क्या रहेगा मैं अभी आपको देता हूँ। देखिए मैं जो भी लेवल देता हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अगर इससे लेने से पहले आप थोड़ा आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए और उससे आप थोड़ा से खुद से रिसर्च करके लिए, ठीक है। अभी हम देंगे बाइंग साइड में अगर जाएंगे क्या करना होगा, कल लेवल क्या रहेगा, ठीक है। बाय बाय अबव अगर मुझे चाहिए इसके ऊपर, मतलब कम से कम 34,480 प्लस अगर जाएगा मार्केट तो अभी मुझे बाइंग साइड में मैं जाऊंगा। टारगेट क्या रहेगा हमारा, टारगेट तीनों टारगेट में हम लोग रखेंगे, छोटा छोटा टारगेट रखेंगे बट तीनों टारगेट रखेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा इतना तक रहेगा, जो कि आज यूजल पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है 37,570 हमारा पहला टारगेट रहेगा। देखिए दो 37,570 हुआ पहला टारगेट, उसके बाद में ये मेरा सेकेंड टारगेट रहेगा, ठीक है 37,751 ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। मुझे जितना फील हो रहा है ये सेकंड और फाइनल टारगेट हो चुका होगा ऑलरेडी कोई बंदा इसके ऊपर, तो मैक्सिमम इतना तक, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा ना, ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो आराम से निकल जाएगा। तो ये हमारा थर्ड और फाइनल टारगेट रहेगा 38,150। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ऑल टाइम हाई भी हो जाएगा और आपके ऊपर अभी भी ऑल टाइम हाई चल रहा है, बट ये आपका पॉसिबिलिटी। अगर 37,480 के ऊपर जाएगा तभी तो जाके हम लोग बाइंग साइड में जा पाएंगे और हमारा पहला टारगेट रहेगा 37,570 37,751 38,150, ठीक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि ये वाला जो उसका जो रेजिस्टेंस अभी शो हो रहा है ये बहुत हार्डकोर रेजिस्टेंस है, अगर इसको टूट देते तो अच्छा खासा मार्केट में हम लोग मूवमेंट देख पाएंगे, बट जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, बट मार्केट है कुछ भी हो सकता है, हम लोग दोनों तरीके से भी जाना होगा। तो सोच समझ के हमको कल ट्रेड करना, अगर इसके ऊपर होगा नहीं तो फिर दोबारा हम लोग, अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग अच्छा खासा मूवमेंट बाइंग साइड में देख पाएंगे जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग उसका नेगेटिव साइड में देखें, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कि जो भी होता है तो क्या होगा हमारा, ठीक है। अगर इसको टच करके, सपोज मान लीजिए इसको टच करके इधर इसको टच करके आ रहा है कि यहाँ से ऊपर गया और आया, मतलब 14,400, तो उससे पहले आप एक माइंड में दिमाग में रखिए, अगर एक कैंडल जो 15 मिनट में कैंडल अगर यहाँ से रेड आता है, पहला रेड कैंडल में एंट्री नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा ना, पहला रेड कैंडल में आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कैंडल अगर डोजी वगैरह होता है आप इजीली यहाँ से शॉर्ट कर पाएंगे, बट हमारा लेवल आज यूजुअल रहेगा, हमको सेल करना है 37,300 बिलो, ठीक है दोस्तों। सेल साइड अगर करना है तो 37,730 अगर बिलो रहेगा तो भी हम लोग उसको सेल साइड में जा पाएंगे। टारगेट क्या रहेगा, देखिए मैं 15 मिनट के कैंडल में बोल रहा हूँ, अभी उसके बाद 5 मिनट ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है, क्योंकि 15 मिनट में ये लॉन्ग टर्म जो कि मैं प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ, अगर एंट्री में बोलूँगा 5 मिनट्स, बट ये आप ये लेवल को याद रखिए, ठीक है। 37,730 बिलो में अगर कंडीशन लॉजिक को समझिए मेरे दोस्तों, अगर पहले कैंडल में एंट्री नहीं लेना, उससे पहले अगर डोजी वगैरह जाएगा कि यहाँ से देखिए छोटा छोटा है कि यहाँ से अगर आएगा तभी जाकर हम लोग सेलिंग साइड में जा सकते हैं, ठीक है। और हमारा पहला टारगेट जाके इधर आराम से इजीली हम लोग दिख पाएंगे 37,000 इजीली हम लोग दिख पाएंगे फर्स्ट टारगेट, ठीक है 37,000 हम फर्स्ट टारगेट दिख पाएंगे। उसके बाद ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा इतना ही रहेगा जो कि 36,840 है 36,840, और थर्ड टारगेट ये हमारा इतना ही रहेगा 36,000 रहेगा, क्योंकि इसके भीतर कुछ भी नहीं है 36,000 रहेगा। तो फोर्थ टारगेट मान लीजिए ये हमारा रहेगा 35,800 मैं लिख देता हूँ, ठीक है ये है सेल बिलो, ठीक है दोस्तों ये है हमारा सेल,
ये भी हो सकता है कल भी नहीं हो के परसों भी हो सकता है, इस मंडे को हो सकता है, बट ये 15 मिनट की कैंडल में जो भी मुझे मार्केट शो रहा है तो ये वाला लेवल को हमको पूरी तरफ से मानना होगा अगर कोई बंदा 15 मिनट के देख के मार्केट करता होगा। अभी क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग दो इंडिकेटर डाल देंगे और अच्छे तरफ से क्लियर होने के लिए। मूविंग एवरेज X1 सेल में डाल दूंगा, दो डालूंगा, एक में डालूंगा 200 जो कि मैं बहुत उसको फॉलो करता हूँ, 200 को डाल दूंगा, ठीक है। ये वाला 50 में डाल दूंगा, ग्रीन कर लूंगा पूरी तरफ से। देखिए अभी क्या है, अभी हम लोग जाते हैं, ये हमारा प्रेडिक्शन, अभी एक्चुअली मार्केट में क्या पोजीशन। देखिए ये वाला जो मूवी में गिरा ये 50 है, 50 के नीचे 200, मतलब अभी भी गोल्डन शुरू हो चुका है, मतलब अभी भी बाइंग साइड प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं मार्केट, अभी भी मार्केट बाइंग साइड में दिखा रहे हैं। और हो भी सकता है इस अंदर में आपको मार्केट घूमता हुआ दिखा होगा, ये वाला इसके अंदर में मार्केट कल घूम भी सकते, इसलिए मैंने क्या बोला, अगर 36730 बिलो रहेगा, एक डोजी भोजी की रेड कैंडल आएगा, आराम से आप सेलिंग साइड में जा सकते और टारगेट ये लेके आप ये मान के चलिए 37800 चलिए 36850 800, ठीक है। बाइंग साइड अगर इसके ऊपर, क्योंकि कल क्या होगा ना, इससे होके आप ले लेंगे यहाँ से नहीं, इसके अंदर ये वाला नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा बाइंग के लिए, ये सिर्फ सेलिंग साइड मगर बाइंग तभी कर पाएंगे इसके ऊपर अगर जाके अगर बाइंग होगा, जैसे कि मैंने दिया था 36780, इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होगा कि मार्केट क्लोज होगा तभी जाके आप बाइंग साइड में जा पाएंगे, ठीक है। ये हुआ आपका 15 मिनट का लेवल, अभी थोड़ा चलते ये लॉन्ग टर्म के लिए है, अभी थोड़ा आते स्क्लैपिंग कैसे करेंगे 5 मिनट के अंदर चलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए मैंने आराम से पिवट का मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस डाला, 50, 220 और 10, 5 EMA मूविंग एवरेज है, उसके साथ मेरा पिवट और फिबोनाची का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि मैंने आज कल मार्केट में बोल दिया था कि 36650 के ऊपर आप बाइंग साइड में जा सकते, और पहला टारगेट इतना ही दिया था मैंने, और पहला टारगेट से ही मार्केट गिरना शुरू हो गया, आप दिख चुके होंगे ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर इतना ही गया, आराम से यहाँ से गिरा 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 और रेजिस्टेंस टच कर कर गिर गया, अभी मार्केट इधर ही है, ठीक है। अभी मार्केट जो इधर है आपका 5 मिनट्स कैंडल में आपको जो बोल रहा है आपका 200 बहुत नीचे है, ठीक है। 5 मिनट कैंडल में भी बाइंग का दिखा रहे, मतलब बाइंग ट्रेंड में है, बट हमको क्या करना होगा, बाइंग ट्रेंड के लिए हमको कम से कम ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ओपन होना है और कि एक कैंडल क्लोज होना है, उसके बाद हम लोग बाइंग साइड में जा सकते हैं। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, ये हमारा सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसको मैं पूरी तरफ से लॉजिक को समझिए, मैं दोबारा बोलता हूँ लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट ओपन होगा कि मार्केट एक कैंडल क्लोज होगा, आराम से आप इजीली जा, क्योंकि इससे पहले जो 200 वाला मूविंग एवरेज है यहाँ से अगर कोई सपोर्ट करता है कैंडल रह जाता है तो यहाँ से अच्छा खासा मूविंग बाइंग साइड में आप दिख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग लेवल वगैरह कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। बाय अबव और कैंडल क्लोज, बाय अबव मुझे चाहिए 36000, ये गुलाबी पास 36000 जो मैंने दिया था 15 मिनट उसी टाइप का वो चल रहा है, 36630 प्लस मुझे बाय चाहिए, टारगेट रहेगा ये 5 मिनट अंडर है इस क्लैपिंग के लिए, जो कि 70-80 पॉइंट टारगेट लेके आप निकल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला टारगेट ये रहेगा 36800, सेकंड टारगेट कम से कम रह जाएगा हमारा इसके नीचे रह जाएगा 36930, थर्ड टारगेट जो कि बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कल मार्केट में,
अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा तो थर्ड टारगेट हम लोग इजीली देख पाएंगे 37,000 37,250 रहेगा और मैक्सिमम टारगेट आपका 37,520 भी क्रॉस कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी साइड हम लोग सेल कब कर पाएंगे, जो कि सेल का चांस कल नहीं लग रहा है क्योंकि सब कुछ आपका 5 मिनट 15 मिनट मूविंग एवरेज वगैरह आपको बाइंग साइड में दिखा रहा है। सेल बिलो कितना करना होगा, सेल साइड के लिए जाएंगे। देखिए अगर सेलिंग के साइड में जाएंगे ना तो 36,480 के बिलो, छत्तीस नहीं तो इतना ही 36,430 के अंदर होगा तभी तो जाके हम लोग सेलिंग साइड कर पाएंगे। मैं उसका लॉजिक भी बता दूंगा, पहले मैं टारगेट वगैरह लिख देता हूँ। टारगेट पहला टारगेट हम लोग इजीली देख पाएंगे 36,270। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा जो कि 200 MA के पास पास 36,170। उसके बाद ये अगर ये 200 MA को टूट देता है, रेजिस्टेंस को टूट देता है तो हम लोग आराम से ये हमारा थर्ड टारगेट ले पाएंगे और फाइनल टारगेट आराम से इजीली देख पाएंगे, जो कि चांसेस नहीं है पूरा मगर इतना तक वजह आ जाएगा तो बैंक निफ्टी 100 हो जाएगा भाई। ठीक है 35,36,000, ठीक है इसके अंदर अभी सेल है। अभी मैं थोड़ा सा ठीक है, अभी हम लोग क्या करना है, ये तो हम लोग का लेवल आ गया। अभी थोड़ा सा हम लोग उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे क्यों मैंने बोला। देखिए मैंने बोला क्या, सेल करना है 36,430 के बिलो, 36,430 के बिलो मतलब यहाँ से कल गैप डाउन ओपन होना चाहिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद और एक डोजी कैंडल देना होगा, अगर ये सब कंफर्म हो जाएगा, एक कैंडल में आपको एंटर नहीं करना है, एक कैंडल अगर रेड होके इतना अंदर ओपन हो रहा है जो कि 36,400, उसके बाद भी अगर एक डोजी कैंडल आप लोग इजीली क्लोजिंग साइड में जा सकेंगे क्योंकि मार्केट आपको सिग्नमेंट बोल दिया है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। जैसे कि टारगेट हमारा पहला टारगेट 36,270 है, इसके आसपास है, अच्छा खासा है 36,270। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट ये वाला है 36,170, क्योंकि दो मूविंग एवरेज 200 वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको टूट देता है तो थर्ड टारगेट हमारा ये रहेगा 36,100 रहेगा। अगर इसको और 200 मूविंग एवरेज को भांग लेता है इजीली हम लोग अच्छा खासा मूवमेंट देख पाएंगे इतना तक, इजीली 35,430 तक हम लोग आराम से एंटर देख पाएंगे जो कि चांसेस, बट ये कल शॉर्ट सेलिंग साइड में पता नहीं हो रहा है, इतना चांसेस नहीं लग रहा। तो मैक्सिमम चांसेस क्या है बाइंग साइड का, बाइंग साइड का क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी अभी गोल्डन क्रॉस हो चुका है। तो मार्केट अगर यहाँ से ओपन होता है, अगर यहाँ से सपोज मान लीजिए 36,630 के ऊपर होता है, अगर इसको क्रॉस कर ले तो आराम से हम लोग बाइंग साइड दिख के इतना तक दिख पाएंगे। उसीलिए मैंने बाय अबव दिया 36,630, उसका टारगेट दिया मैंने 36,800 36,930। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 37,250 37,520 ये हमारा फाइनल टारगेट है। क्यों दिया, लॉजिक को समझे, क्योंकि आपका 50 का एम है, अगर इसको भांग लेता है उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस को ऑलरेडी क्योंकि मार्केट भांग चुका है टूट चुका है तो आराम से रेजिस्टेंस को टूट के यहाँ तक जा पाएगा। उसीलिए मैंने बाइंग साइड में मुझे जितना पॉसिबिलिटी लग रहा है कल बाइंग साइड में होगा। और एक कंडीशन को समझिए, मार्केट में क्या हुआ, आज देखिए ऐसे ही ओपन हुआ, ऐसे ही गिरा, तो मार्केट कभी भी मतलब एक वन साइड वे भी नहीं जाता है। तो यहाँ तक आया, फिर मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट लेके आया, फिर आया इतना तक आया, फिर थोड़ा सा मार्केट पुश किया, यहाँ से थोड़ा सा पुश होने के लिए ट्राई किया, पर यहाँ से मार्केट गिर गया है। तो अभी क्या
क्या पारी, यहाँ से मार्केट उठने का पारी, ठीक है। तो चांसेस है कि कल मार्केट हम लोग इजीली देख पाएंगे। देखिए मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए क्या हुआ मार्केट, ये आपका पुश, ये पहला कैंडल गया पुश होने के लिए, गया यहाँ से गिरा, फिर थोड़ा सा पुश किया मार्केट, हुआ हुआ नहीं, फिर यहाँ से गया, फिर मार्केट थोड़ा सा पुश करने के लिए कोशिश किया 50 MA के पास, फिर आया गिरा, फिर थोड़ा सा पुश किया, अभी गिरे। तो अभी वाला जो ग्राफ बोल रहा है आराम से आपका मार्केट यहाँ से पुश हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन देखिए, समझिए, ये गिरा गिरा तो मार्केट यहाँ से पुल बैक ले पाए, उसीलिए मैंने बाइंग एबव दिया 36630, टारगेट 36800, 36930, थर्ड टारगेट रहेगा 37200, 37520 ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। अभी सपोज मान लीजिए मार्केट आपका नेगेटिव साइड में होता है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर मार्केट बिलो होगा 36430, आप थोड़ा सा शॉर्ट करके स्क्लैपिंग कर पाएंगे, जो कि हमारा टारगेट रहेगा 36270, इतने तक हुआ, उसके बाद मूविंग एवरेज तक टारगेट करेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट तक टारगेट करेंगे 36170, उसका इस सपोर्ट को अगर टूट लेता है तो इसको टारगेट करेंगे, अगर ये टारगेट टूट लेता है तो आराम से हम लोग 36530 देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कल के लिए लेवल है, बट जितना मेरा प्रेडिक्शन बोल रहा है, मार्केट ऑलरेडी ऐसे ही मूवमेंट हो रहा है, ग्राफ जैसे मूवमेंट है, तो यहाँ से हम लोग मूवमेंट देख पाएंगे। जो भी मैंने लेवल दिया उसी हिसाब से आपको फॉलो करने से पहले थोड़ा आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और खुद थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, तभी जाके मेरे लेवल को फॉलो कीजिए। ये हुआ 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर भी हम लोग देख पाएंगे अगर ऐसे ही क्या हो रहा है मार्केट। देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ आया मार्केट इतना तो गिरा, फिर आया कोशिश किया पुल बैक, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, अभी मार्केट यहाँ से मार्केट गिरा, अभी मार्केट गिर गया। तो क्या होगा, कल जैसे ग्राफ जैसे होगा यहाँ से मार्केट जाएगा, ऐसे ही ऐसे होता है मार्केट, इस एट ए टाइम कुछ भी नहीं हो सकते। तो यहाँ से हम लोग बाइंग साइड में दिख पाएंगे। तो बाइंग अबव क्या है हमारा, 15 मिनट का कैंडल से सब 37480 होना चाहिए, टारगेट रहे 37570, 37751, 38150। सेल बिलो क्या 37730 अंडर अगर सेल होगा ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। जो भी मैंने लेवल दिया उसी हिसाब से, अगर ऑप्शन बायर हैं आप कि खुद ऑप्शन सेलर है, उसी हिसाब से आपको टारगेट करना होगा। बाइंग एट द मनी स्क्रिप्ट जो कि 350 से ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा आपके लिए। तो आप जो भी अगर बाय करेंगे एट द मनी बाय कीजिए ऑप्शन में, अगर फ्यूचर में बाय करना है तो ये लेवल को थोड़ा सा आप मार्क कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे चैनल में पहली बार दिख रहे हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चैनल में अगर आपको ट्रेडिंग में 2-3 महीना हो चुका है बट आपको आता ही नहीं कुछ, ट्रेडिंग इतना कमा नहीं पा रहे, अगर मेरे प्रीमियम सर्विस लेके थोड़ा बहुत कमा पाएंगे, मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर आपको 2-3 महीना हो चुका है मार्केट में तभी जाके मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। अभी आपके सामने मेरे स्क्रोलिंग होता होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको ईजिली आपको प्रीमियम सर्विस का डिटेल्स आपके पास मिल जाएगा। और उसके साथ अगर आप चाहते हैं फ्री चैनल में ज्वाइन करके थोड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, हफ्ते में 2-3 बार अच्छा टिप्स देता हूँ जो कि लेके आप आराम से इजीली कमा पाएंगे। तो आज मैंने एक व्हाट्सअप में प्रीमियम सर्विस में मैंने कॉल ऑप्शन दिया था, अभी देखिए आपके सामने स्क्रीन में रोल हो चुका हुआ क्या, कौन सा ऑप्शन क्या दिया, कितना पॉइंट टारगेट हुआ। उसके बाद मार्केट जब गिरना शुरू हुआ था, मैंने एक टेलीग्राम प्रीमियम चैनल में मेरा एक पुट ऑप्शन दिया था, वो भी आप देख चुके होंगे मार्केट में, अभी आपका स्क्रीन में लोड हो चुका होगा। इसी टाइप का अगर प्रीमियम सर्विस में आप कमाने के लिए सोच रहे हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर आपको 2-3 महीना हो चुका है मार्केट में, अभी फिर दोबारा मेरा नंबर स्क्रोलिंग हो रहा है, इसमें मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको डिटेल्स आपके पास पहुँच जाएगा प्रीमियम सर्विस क्या होता है क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। मेरे चैनल को अगर पहली बार दिख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं दोबारा बोलता हूँ ये चैनल मेरा नहीं, हम लोग का है, सब बिगनर हैं जो कि स्टॉक मार्केट में अब एंट्री ले रहे हैं, जो भी उनका करियर यहाँ इसमें करने के लिए चाहते हैं, स्पेशली बिगनर लोग। अब जितना शेयर करेंगे एक बिगनर का अच्छा हो जाएगा, उसके साथ हम लोग का चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी इस टाइप का आपको पोस्ट मार्केट लाइव ट्रेड जो भी वगैरह स्टॉक मार्केट का पार्सल लेके मैं आऊँगा आपके पास सामने आऊँगा। अगर आपको कल का पोस्ट मार्केट थोड़ा सा अगर आप देख पाएंगे, जो कि मैंने वॉच लिस्ट में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, आपको पता चल जाएगा मेरे लेवल कितना स्ट्रांग होता है और मेरे लेवल कैसे वो फॉलो किया, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को बहुत सिंपल तरीके से समझता हूँ और सरल से समझता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर दोबारा मैं बोलता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट।